बैठा जाओ कहीं खोद जो है। देखो साहब बताओ, एक ही के नीचे है। और वो ये गेट क्या करें, देख ये गेट क्या करें, मतलब माइली साइड लकड़ी लाग रही। गवर्नमेंट एक टाउजी खोल ना, तो देखो एक ऊपर देख इना के गए वो आंगला पर की मिस्र को बताया घास कुछ गंडक को नहीं आई गंडक का खड़ा लुया थे, लेकिन एक हमारे आवाज भी गिरी तीन बार आवाज गिरी आवाज आके ना पता गया गंडक चला गया। पर सरपंच ने फोन करियो, मेरे सन करियो फोन, तो रात को सो रही थी तो एक कुमार ने लकड़ी लाग रही, लकड़ी लाग रही थी मैं थोड़ा सा मतलब मैंने दिखे अत्री ऊंचाई का मैंने लेकिन वो कुत्तो को नहीं ऊंचाई भी पूरी खुली भी गई। कलर क्या को कलर वो भूरो भूरो और कालो कालो भी हिसाब से। तो अचानक आपने देखा तो अचानक देखा तो मैंने ये कुआड़ का धक्को दियो ना जना मैं ये डकर में देखियो माय बड़ोगो इलिए मैं धक्को दियो धक्को दे के पस बाद में माय ने सुत्या जना बे उठाया ना जना बाद में मैं कुआड़ खोली जना मन कुछ भी बंदी की जैसे शोर शराब हवा मम्मी ने है वो गेट खिड़खिड़ाया तो उसके बाद मेरे को पता चला तो मैं उठ के बाहर आया। बाहर आया तो मैंने लकड़ियाँ उठाई, चारों ओर से लकड़ियाँ उठाई तो उस साइड देखा तो उस साइड है बड़े बड़े फुटप्रिंट पड़े हुए थे। फुटप्रिंट पड़े होने के बाद हमने इस साइड देखा, हमने सोचा भाई इस साइड गया तो इस साइड जैसे ही कुछ समय निकला तुरंत दो चार एक दो मिनट निकली होंगे उसके बाद बंदर की जैसी आवाज़ आने लगी तो हमने सोचा फिर कन्फर्म हो गया कि कोई ना कोई जानवर तो है, जंगली जानवर है, पैंथर हो या ना हो लेकिन जंगली जानवर। उसके तुरंत बाद हमने और सुना तो आगे कुछ आवाज़ आने लगी, वो लोग बोल रहे थे कि रात में कुछ आया था फिर बाजरे के खेत में घुस गया, तो पता नहीं कुछ भी हो सकता है, वो बोल रहे आदमी हो सकता है, उनको पूरा क्लियर नहीं है। जैसे ही हमें पता चला हमने तुरंत उसके बाद वन विभाग को कॉल किया, DFO साहब को कॉल किया, उन्होंने लगभग आधे पौन घंटे में अपना संसाधन और व्यक्ति भेज दिए थे, उन्होंने लगातार काफ़ी देर तक सर्चिंग किया, जानकारियाँ जुटाई और कारण ये है कि बड़ी बड़ी फसलें होने के कारण कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ पता नहीं चलता, तो फसल में कहीं भी कोई जानवर छिप सकता है। हालांकि चारों ओर से भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, कुछ जगह मान लो है भी लेकिन बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, तो वन विभाग की टीम भी उससे परेशान है, वो एग्जिट जगह नहीं पहुँच पा रही है कि जहाँ अगर कोई जानवर है वहाँ पहुँच जाए, क्योंकि भ्रांतियों की वजह से वो वहाँ भी नहीं जा पा रही है। जो फुटप्रिंट है जी वन विभाग की टीम ने देखकर क्या अनुमान लगाया? वन विभाग की टीम ने बोला है कि देखो चारों ओर तो बने हुए नहीं है क्योंकि पक्की जमीन है, यहाँ कुछ गिल्ली मिट्टी थी तो उसमें फुटप्रिंट बन गए थे, बाकी चारों ओर नहीं है, पैंथर या किसी जंगली जानवर के हो सकते हैं मतलब। बाकी हमने आगे DFO साहब को फुटप्रिंट की फोटोज भेज दी है, जैसे ही जानकारी आएगी वो बता देंगे। तो रात में कितने बजे तक आपने? रात में पूरी रात ही जग रहे थे, हमने कई जगह सर्चिंग भी किया, जाकर बाइक से भी सर्चिंग की, हम दो तीन लोग थे, चारों ओर घूमते फिरते हमने सर्चिंग की है, देखा है इधर उधर देखा है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। तो जंगली जानवर की एंट्री नवगढ़ में हो चुकी है, तो जो ग्रामीण है जो पशुपालक है उनके लिए क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल एंट्री हो चुकी नहीं, एंट्री काफ़ी समय से आपने देखा होगा हमसे 200 300 500 मीटर पहले एक व्यक्ति एक महिला पर अटैक किया था, उनके घर के पालतू पशुओं पर अटैक किया था, तो कहीं ना कहीं डर का भय का माहौल तो बना हुआ ही था, और फिर चारों ओर भ्रांतियाँ भी इतनी फैलाई गई कि डर लोगों में ज़्यादा बैठ गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, फिर अचानक से कल से देखने को मिला और चारों ओर है। मैं तो यही कहना चाहूँगा आसपास के लोगों की अपने पशुधन है उसको सुरक्षित रखें, और रात में अगर निकलो तो दो तीन की संख्या में एक साथ निकलो, अपना हथियार लाठी डंडा साथ में लेके निकले ताकि किसी पे अटैक ना कर सके। रात के ऐसे हुआ था जो भाई के घर में शेर आवे वगैरह, हाँ भाई के घर में बढ़ गया जना, क्योंकि बाहुल्लो करियो के और चोर आ गया बोले ध्यान नहीं तो के हमारे पास में शेर बढ़ी उड़ा है, तो मैं ही पर बैंटिया ले लू ना था मैं,
मैं पर नु बैंट्री लेके पाचा टोर्स करिया कुन आ गया बैसा कुन आ गया के ओ के चोर आ गया के चोर आ गया के अरे वे चोर है कुन है के इधर इधर मेरे घर में आया था जना मैं भी पर नु हल्लो करियो पूरा समाज अड़ मैं ना था नात आदमी नांगोर जिला रहण वाला डेगाना जैक्सन का आदमी पर नु मैं भी टोर्च करिया पर नु मैं हल्लो करियो जना शेर हो जो शेर बटू निकलन अटी और गियो बटू और पग ढकियोला बेटे तो थारी आंखें देखेगी कि शेर को हां शेर को सो पंजो मंडियो बेटे सैंपरू